let me go. There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kind. हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन। आज हम लोग लेके आए हैं ये फेस लिफ्ट ऑफ सिलेरियो। सिलेरियो का टॉप मॉडल आपके सामने खड़ा है, जिसका हम लोग आज एक वॉक अराउंड करेंगे और सारे के सारे इसके फीचर्स थोड़ा सा देखेंगे। तो फर्स्ट इसका इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपका K10 इंजन है, जिसमें आपके 3 सिलेंडर्स आपको मिल जाते हैं। 3 सिलेंडर्स हैं, लेकिन आपको एक सिलेंडर पे 2 फ्यूल इंजेक्टर मिलते हैं। 2 फ्यूल इंजेक्टर मीन्स इस गाड़ी में आपको 6 फ्यूल इंजेक्टर मिल जाएंगे। 6 फ्यूल इंजेक्टर का मतलब है कि ये गाड़ी आपको माइलेज देने के लिए और भी अच्छी हो जाएगी पहले से। इसका अराउंड 26 के अराउंड ये एवरेज देती है। तो बात करते हैं इसकी फ्रंट की प्रोफाइल की। फ्रंट की प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपके कुछ काफी ग्रैंड साइज की आपको यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये आपके हैलोजन हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पे इसमें एक ब्लैक का वर्क में, ब्लैक सेगमेंट में आपका यहाँ पे जो आपके फॉग लैम्प्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉग लैम्प्स आपको सिर्फ टॉप मॉडल में देखने को मिलेंगे। सो इट हैज सम वर्क लाइक दिस, दैट इट इज ह्यूमैनिटी लाइन। ह्यूमैनिटी लाइन ये आपका पूरा ब्लैक में आपका वर्क है। ये आपका पूरा क्रोम फिनिशिंग में यहाँ पे पूरा वर्क है। साइड प्रोफाइल देखते हुए सबसे पहले हम लोग दिखाना चाहेंगे ये एक टायर, जो आपका इसका टायर की प्रोफाइल है। या इट इज हियर 175/60R15। तो ये 15 इंच का आपका टायर है, विच इज लाइक फार बेटर टॉप मॉडल में। आपका बेस वेरिएंट में R14 होगा, पर थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बट हाँ R15 टॉप मॉडल के लिए एक अच्छा कार का या अच्छा टायर का साइज है। यहाँ पे आपका पूरा ब्लैक फिनिशिंग है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। देन 170mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मतलब अगर आप इसके दूसरे वेरिएंट्स में जाएंगे तो 165mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। बॉडी कलर में आपको ORBNs देखने मिलेंगे, जिसके ऊपर ही आपको अपने टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। बॉडी कलर में ही यू गेट हेयर योर डोर हैंडल्स। यहाँ पे आपको ये कीलेस एंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ये ब्लक टेप, डक टेप में आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब इस सेगमेंट के लिए मैं इसको एक फेयर कार बोलूँगी। हाँ, एक अच्छी कार है। आगे आने वाली वीडियो में हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की वीडियो भी आपके आगे आपके सामने लेके आएंगे, जो सिलेरियो लेने के आपके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो डू वॉच दैट ऑल्सो। कुछ बैक की प्रोफाइल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसमें आपके टॉप लैम्प टाइप में कुछ आपके यहाँ पे टेल लैम्प्स हैं, आपका हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है। हियर यू गेट रियर वाइपर। आपका बूट को खोलने के लिए एक कुछ इस तरीके का आपका है। आपको पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कीलेस आप बूट यहाँ पे खोल सकते हैं। बॉडी कलर में ही आपको यहाँ पे कुछ डोर आपको देखने को मिलेगा, डोर जैसा, डोर हैंडल जैसा, यू कैन एंटर इनटू दैट। तो बूट स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा आपको बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। ये 313 लीटर का आपका बूट स्पेस है, मतलब आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है। सपोज आप 2 या 2 या 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू, ये आपके सीट है 60-40 स्प्लिट में है, जिसको आप आगे स्प्लिट भी कर सकते हैं एंड यू कैन इंक्रीज द बूट स्पेस। इसकी व्हील की प्लेसमेंट, इसकी व्हील की प्लेसमेंट यू कैन सी जिस तरीके से एक जनरल आपकी व्हील की प्लेसमेंट होती है, इट इज़ हेयर। एंड मैं आपको इसकी यहाँ पे प्रोफाइल भी दिखा देती हूँ। दैट इज 165/70R14। तो ये आपका R14 का टायर है। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो ये पूरा ब्लैक फिनिशिंग में आपको इंटीरियर मिलता है, जिसमें आपका ये पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विद MID। ये सेक्शन आपका MID सेक्शन है। यू गेट हेयर ऑल ऑफ द अदर फीचर्स। देन 7 इंचेस टच स्क्रीन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इधर मिलता है। 5 स्पीड आपका ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पे आपके चार्जिंग स्लॉट्स हैं। देन AC वेंट्स यू गेट हेयर। AC वेंट्स आपके ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलता है। साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो गेट हेयर दिस सिल्वर टच में कुछ आपका यहाँ पे वर्क है कुछ AC वेंट्स का। यू गेट सन वाइजर ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स। आपकी को ड्राइवर सीट में यू ऑल्सो गेट वन वैनिटी मिरर। एंड ये जो आपका IRVM है, इट इज डे एंड नाइट IRVM। ये अपना आप डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड IRVM से यू कैन ऑल्सो सी ORVM। ORVM आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपका ORVM है। सो हेयर यू कैन सी द टूल्स ऑफ दैट। यहाँ पे आपको टूल्स देख सकते हैं ये वाले, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका ORVM एडजस्टर है। देन आपको सिल्वर यहाँ पर डोर
क्योंकि सिल्वर डोर हैंडल्स, आपके पावर विंडोज आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। पावर विंडोज आपको ये आपके फ्रंट के पावर विंडोज हैं, यहाँ पर आपको रियर के पावर विंडोज देखने को मिलेंगे। जो इसमें आपकी सीट्स हैं, सीट आपकी इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, आपका फ्रंट में भी और रियर में भी, मतलब यू कांट एडजस्ट इट। इसमें आपको स्पीड अलर्ट सिस्टम मिल जाता है। So this was a walk around of Maruti Celerio top model ZXI Plus. I hope you liked it. So please do like my channel and subscribe it.